लगता है भाभी मानी नहीं कल तुम्हारे साथ जाने के लिए। काश मैं उसे मनाता ही ना। क्या हो गया वासिफ, सब खैरियत है? उसे सब पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने मेरे लिए सुसाइड की थी। व्हाट? कैसे, किसने बताया? कौन बता सकता है, मेरी बड़ी भाभी। कल मैं दावत में गया था और वहां पर उन्होंने सबके सामने जिक्र कर दिया कि वासिफ का चक्कर था यूनिवर्सिटी में लड़की के साथ और उसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर ली। और तुमने अपना मौकफ सामने नहीं रखा? क्या मौकफ रखता फरद, मेरी बात सुने तो। उन्होंने अजरा भाभी की बात पे यकीन कर लिया और मुझसे नाराज होगी वो। देखो अगर तुम चाहते हो तो मैं गवाही दे सकता हूँ इस बात की। क्या समझाओगी? ना फरद मेरी बात सुन रही है ना असमा भाभी की बात सुन रही है, वो तुम्हारी बात सुनेगी। तो फिर तुम क्या करोगे? वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे सारा कसूर मेरा है। कल रात से उसे समझा रहा हूँ लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो। देखो वासिफ, जब चीज़ें बिगड़ रही होती हैं तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि कुछ करके उनको सुधार सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर तुम चाहो तो मैं गवाही दे सकता हूँ, तुम्हारा मौकिफ भाभी के सामने रख सकता हूँ। कोशिश कर लो तुम भी, लेकिन सच में मैं तंग आ गया हूँ यार। कभी कभी तुम्हें देख के बड़ा शुक्र करता हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई। करना भी मत। चलो काम कर लेते हैं, फिर कैंटीन में बैठ के बात कर लेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया सऊद और अजरा को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखें ड्रामा बेबी बाजी। और बेबी बाजी ड्रामा देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ARY डिजिटल का चैनल। तो जाएं सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें।